गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग? तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग लास्ट क्लास में एनसीईआरटी एग्जाम पर को सॉल्व कर रहे थे स्टूडेंट्स, और 18 क्वेश्चन जो थे हम उसमें कर चुके थे। 19 क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ना चाहते थे, और 19 क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपका 19 क्वेश्चन कौन सा है, और जो ये हम क्वेश्चन कर रहे हैं इनकी कितनी भूमिका है हमारे चैप्टर्स में या हमारे आने वाली आगे की लाइफ में। तो गाइज, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के बारे में ऐसा बोला जाता है, कुछ अच्छे लोग बोलते हैं जो अच्छे टीचर होते हैं कोटा में, राजस्थान में, वहाँ पे भी इस बुक को सोल्व करवाया जाता है बकायदा हर चैप्टर के लिए। और ये बोला जाता है कि जो बच्चा पढ़ने के बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को सोल्व कर दे उसके लिए जेईई मेंस और नीट हार्ड नहीं होता, वो उस पेपर को आराम से निकाल लेता है। तो 19 क्वेश्चन पे आते हैं। 19 क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैव द सेम कंसंट्रेशन। हमें क्या करना है, हमें ईच एंड एवरी ऑप्शन के लिए कंसंट्रेशंस को फाइंड आउट करना है, फिर बताना है कि किस किस की कंसंट्रेशन सेम आई है। तो बात करते हैं गाइस पहले ऑप्शन की। किसकी बात करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन के लिए कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन की कंसंट्रेशन जो है वो हम निकालेगा इस मोलैरिटी। क्या निकालेंगे? मोलैरिटी। मोलैरिटी इक्वल्स टू क्या होता है? एन बाई वी। जैसे कि मुझे पता है कि मेरा वी यहाँ एम एल में है, तो वी यहाँ एम एल में होगा, तो मल्टीप्लाई किससे कर देगा इस हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमें पता है कि एन बी जो होता है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स भी जो होते हैं, वो तो नहीं दिए मुझे। नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं वो होते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास के, यानी कि आप इसको W बाई डबल एम इंटू वी इन एम एल इंटू 1000 लिख सकते हो गाइस। अब आप W की इसमें वैल्यू रख दीजिए, गिवन मास है 20 ग्राम, राइट। मोलर मास जो NaOH का आता है गाइस, वो आता है Na का आता है 23, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16, हो जाता है 40। कितना? 40। वॉल्यूम आपको दिया है 200 ml इंटू 1000। क्लियर? इस जीरो से, इन दो जीरो से ये तीन जीरो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, और दो से ये भी 10 बार कट जाता है। आपके पास जो वैल्यू आती है वो आती है 10/4, और 10/4 जो वैल्यू है वो है 4 × 2 = 8, राइट। 2 × 4 = 20, 2.5 मोलर जो है वो फर्स्ट ऑप्शन के लिए आती है हमारी कंसंट्रेशन। सेम सेकंड ऑप्शन के लिए कंसंट्रेशन निकालते हैं, और वो कैसे निकलेगी? m इक्वल्स टू n बाई वी, यहाँ पे भी v किस में दिया है? ml में दिया है, ml इंटू 1000। n की वैल्यू यहाँ पे सीधी प्रोवाइड कराई हुई है जो कितनी है 0.5 मोल, और v जो है वो है आपका 200 ml इंटू 1000। 20 से ये 20 ख़त्म, उसके बाद आया 0.5 × 10 अपॉन 2, 0.5 × 10 जो है वो हो जाएगा 5 के इक्वल, 5/2, और 5/2 भी क्या होती है 2.5 मोलर। यानी कि देखो, फर्स्ट के लिए भी आपकी वैल्यू कितनी आई? 2.5 मोलर आई, और सेकंड के लिए भी आपकी वैल्यू कितनी आई? 2.5 मोलर आई। यानी कि फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन के लिए जो कंसंट्रेशंस की वैल्यूज है वो सेम आई। हम आगे भी निकालेंगे, थर्ड और फोर्थ के लिए भी निकाल के देखेंगे, क्योंकि जो ये MSQ टाइप के क्वेश्चंस थे और इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन, यानी कि दो से ज़्यादा ऑप्शन भी सही हो सकते थे, तो अभी केवल दो की सेम आई है। हम लोग क्या करेंगे, अभी सेम करके देखेंगे कि नीचे के ऑप्शंस की भी आती है कि नहीं आती है। इसको लिखिए पहले,
ये गाइस यहाँ पे चार कुछ नहीं है, ये पेज नंबर है, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। करिए गाइस जल्दी से। यानी कि फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन के लिए जो कंसंट्रेशंस है वो आपके लिए गाइस सेम आ चुकी, ठीक है। अभी आगे की तरफ बढ़ते हैं। हो गया होगा गाइस ये आपका, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन के लिए कंसंट्रेशन मैंने यहां निकाली हुई है और सेकंड ऑप्शन के लिए मैंने कंसंट्रेशन ये निकाली हुई है, ठीक है। दोनों की वैल्यू ही 2.5 मोलर आती है और क्वेश्चन बोलता है विच द फॉलोइंग सॉल्यूशंस हैव द सेम कंसंट्रेशन। इनमें से दिए गए सॉल्यूशंस में से किस किस की कंसंट्रेशन बिल्कुल सेम है, तो फर्स्ट और सेकंड की कंसंट्रेशन अभी तक सेम आई है, थर्ड और फोर्थ की हम लोग और निकाल के देखेंगे गाइस, ठीक है। आगे चलते फिर इसका जो फोर्थ ऑप्शन है दैट इज आल्सो सेइंग अबाउट क्या कि 40 ग्राम ऑफ NaOH इन 100 ml, तो इसके लिए निकालते हैं मोलरिटी। N बाई वी ml है तो कितना है 1000 है और N को लिख सकते हैं W बाई डबल M यानी कि मोलर मास इंटू वी ml इंटू 1000। तो मोलरिटी कितनी आ जाएगी गाइस इसके लिए, 40 ग्राम इसका गिवन मास है, 40 इसका मोलर मास होता है, 100 दिया है ये और 1000, ये तो 3-0 खत्म, 4 से 4 भी खत्म, तो वैल्यू आई गाइस 10 मोलर। कितनी आई 10 मोलर। निकालते हैं 20 ग्राम KOH के लिए, किसके लिए निकालते हैं गाइस 20 ग्राम KOH 200 ml ऑफ सॉल्यूशन के लिए। इसके लिए मोलरिटी क्या होगी N बाई वी, N क्या होगा W अपॉन कैपिटल M यानी कि मोलर मास इंटू वी इन एम एल इंटू 1000, क्लियर। गिवन मास जो है वो कितना है इसके लिए 20 ग्राम, मोलर मास कितना होता है, मोलर मास होता है पोटेशियम का 19 प्लस 1 प्लस 16, तो 19 प्लस 1 20 और 16 आया जी आपका 36, यानी कि मोलर मास कितना होता है इसका 36 इंटू 200 इंटू 1000, 20 से ये 20 खत्म, 2 से ये 10 टाइम्स खत्म, ऊपर कितना आया 100 अपॉन 36 राइट, कितना आया 100 अपॉन 36, तो 36 टू जा 72 राइट, तो 2 बार कट जाएगा ये पॉइंट, उसके बाद 72 8 बचे और 20 बचे, 28 पॉइंट आ गया 0 280, 36 इंटू 5 280 टाइम्स पे से नीचे नीचे रखना है, 5 6 या 30 0 3
सेवन सिक्स जा टू पॉइंट सेवन मोलर। तो गाइज थर्ड ऑप्शन के लिए आई 10 मोलर, राइट। थर्ड ऑप्शन के लिए आई कितनी 10 मोलर, और आपके फोर्थ ऑप्शन के लिए आई 2.7 मोलर, और ऊपर के दोनों ऑप्शन के लिए आई थी 2.5 मोलर। तो केवल दो की सेम है ना, तो ये इसका सही आंसर है ना गाइज, ना तो ये इसका सही आंसर है और ना ही ये इसका सही आंसर है। ये हमने 19th क्वेश्चन को कर लिया विद ईच एंड एवरी आंसर। कर लीजिएगा इसको भी। ओके गाइस, हो गया होगा ये सवाल। आगे की तरफ चलते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं गाइस। लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 20। दिस इज द क्वेश्चन नंबर गाइस 20। लेट्स डू इट। What the question is saying, 16 gram of oxygen has same number of molecule as in. इसने पूछा है कि 16 gram of oxygen के अंदर जो number of molecules है वो इनमें से किस किस के पास और है। सबसे पहले आपको 16 gram oxygen के अंदर molecules find out करने पड़ेंगे। मोलिक्यूल्स फाइंड आउट करने का आपके पास केवल एक ही रिलेशन है, मोल और मोलिक्यूल्स का। आप जानते हो कि वन मोल इक्वल्स टू होता है 6.022 इंटू 10^23 मोलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, एक मोल O2 के पास। आप गिवन मास अपॉन मोलर मास के रेशियो से नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट कर सकते हो। 16 इज योर गिवन मास एंड 13 इज द मोलर मास फॉर O2 ऑक्सीजन, है ना। ऑक्सीजन की बात कर रहा है, यानी कि मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, ये मॉलिक्यूल की बात कर रहा है। क्योंकि अगर यहाँ पे एटम देता तो पागल थोड़ा था, एटम देके मॉलिक्यूल पूछ रहे, वो तो हो ही नहीं सकता पॉसिबल। ये आ गया इस 1/2, इट मीन्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आए, 1/2 इंटू 6.022 इंटू 10^23। ये है 16 ग्राम ऑक्सीजन के पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये है जी। अब निकालो 16 ग्राम ऑफ CO के पास कितने आए, किसके पास, 16 ग्राम ऑफ CO के पास। तो सबसे पहले क्या निकालने पड़ेंगे, इसके n निकालने पड़ेंगे,
16 अपॉन मोलर मास ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड 16 फॉर द ऑक्सीजन एंड 12 फॉर द कार्बन एंड इट इज 28. कितना 28. 16 प्लस 12 28. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएगा गाइस 16 अपॉन 28 इंटू 6.022 इंटू 10^23. ये तो उसका ऑप्शन नहीं है क्योंकि यहां पे तो 1/2 होना चाहिए और यहां पे कितना आ रहा है 16 अपॉन 28. ये तो नहीं है. बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की. n इक्वल्स टू 28 अपॉन 28. एन टू का मोलर मास भी 28 ही होता है प्यारे बच्चों. कितना आ जाएगा एक नंबर ऑफ मोल्स. तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आ चुके 1 × 6.022 इंटू 10^23. यानी कि ये भी नहीं हो सकता इसका आंसर क्योंकि यहाँ पे तो 1/2 है और यहाँ पे तो 1 आया. उसके बाद 14 ग्राम ऑफ एन टू के लिए निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स 14 अपॉन 28 इक्वल्स टू 1/2 और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो आए 1/2 इंटू 6.022 इंटू 10^23. यानी कि एक ऑप्शन तो उसका सही आया थर्ड. बात करते हैं फोर्थ ऑप्शन की. 1 ग्राम ऑफ H2 के लिए n इक्वल्स टू गिवन मास 1 है मोलर मास H2 का 2 होता है यानी कि ये आया 1/2. यानी कि इसके अंदर भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आए 1/2 इंटू 6.022 इंटू 10^23. यानी कि थर्ड एंड फोर्थ इज द राइट आंसर. थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट. ये डेफिनेशन आपने लगाई. उसके बाद आपने सिंपल ऊपर के लिए नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल्स निकाल लिए फिर नीचे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लिए. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का केवल एक ही तरीका होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास करके. आपने गिवन मास मोलर मास का पहले क्वेश्चन गिवन क्वेश्चन के लिए चेंज किया फिर 4 के लिए चेंज किया. यानी कि आपने 5 बार n इक्वल्स टू W/m का फॉर्मूला लगाया जिसकी वजह से आपने ये नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करे. कौन से वाले गाइस ये आपको देखते हो गए नंबर ऑफ मोल मोल्स नंबर ऑफ मोल्स दिस इज नंबर ऑफ मोल नंबर ऑफ मोल नंबर ऑफ मोल. तो जहाँ पे नंबर ऑफ मोल सेम आ जाएंगे वहीं पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम हो गए है ना. जैसे आपने देख ही लिया सोल्व करके भी देख लिया आपने यहाँ कुछ और है यहाँ कुछ और यहाँ सेम है इसलिए थर्ड और फोर्थ राइट आंसर है. लिख लीजिए इसका जवाब भी. सोम कीजिएगा इस जल्दी जल्दी.
फटाफट हरी आप देखो, इससे सारे के सारे कॉन्सेप्ट रिफ्रेश हो रहे हैं ना, जो भी कुछ सीखा था। देखा ना एवोगैड्रो नंबर में किसी किसी बच्चे को प्रॉब्लम आ रही थी कि सर हमें तो पता ही नहीं चल पा रहा किसके अंदर क्या निकलवा रहे क्या नहीं निकलवा रहे। देख लो भाई, सबके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकलवाए और एन के यानी कि नाइट्रोजन के ही मॉलिक्यूल्स है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए काइंड ऑफ मॉलिक्यूल, एन टू मॉलिक्यूल, एच टू मॉलिक्यूल। बस डेफिनेशन एक ही लगानी है, कौन सी, वन मोल इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10^23 एटम्स पूछता है एटम्स, मॉलिक्यूल्स पूछता है मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स पूछता है पार्टिकल्स। इसको गाइस फ्रीज करेंगे फिर लिखेंगे, आगे चलते हम, ठीक है। बात करते हैं गाइस फॉर दी नम क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन के लिए बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर यूनिटलेट्स, ये कुछ टर्म्स दी हुई है जिनको हम कंसंट्रेशन बोलते हैं और पूछ रहे कौन कौन यूनिट लेस है। तो मोलैलिटी की बात करते हैं, मोलैलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मोल पर केजी। कितनी होती है गाइस, मोल पर केजी, मोल कितने किलोग्राम में डिसॉल्व्ड है। मोलैलिटी जो होती है वो होती है कैपिटल एम और इसकी यूनिट जो होती है वो होती है मोल पर लीटर, कितने मोल कितने लीटर में डिसॉल्व्ड, यानी कि मोल एक लीटर में मोल एक किलोग्राम में। मोल फ्रैक्शन जो होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं इकाई से, और सपोज करो आप ए के लिए निकाल रहे हो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, सपोज करो कि आपके पास दो मिक्सचर है ए और बी तो टोटल मोल्स हो जाएंगे ए और बी, इसकी यूनिट भी मोल में होती है, इन दोनों की यूनिट मोल में आएगी तो मोल से मोल कट जाएगा और ये कैसा आ जाएगा, यूनिट लेस आ जाएगा। कैसा आ जाएगा ये, यूनिट लेस। बात करते हैं मास परसेंटेज की, मास परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज वेट बाई वेट, परसेंटेज वेट बाई वेट क्या होता है गाइस, परसेंटेज वेट बाई वेट क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम मल्टीप्लाई बाई 100। ग्राम से ग्राम यहां भी कट जाएगा और ये भी कैसी आ जाएगी गाइस, यूनिट लेस आ जाएगी। यानी कि इस क्वेश्चन के जो दो सही आंसर है वो है थर्ड एंड फोर्थ। साथ ही मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, जैसे कि मोलैरिटी की भी यूनिट है, मोलैरिटी की भी यूनिट है, मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं है, परसेंटेज वेट बाई की वेट कोई यूनिट नहीं है, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम की यूनिट होती है ग्राम पर एमएल, राइट, और परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम भी कैसा होता है, यूनिट लेस होता है। क्लियर है, इसको देख लीजिए, क्या पता इन दो में से भी हो तुमसे पूछ ले। तो परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम की होती है ग्राम पर एमएल, क्योंकि ऊपर ग्राम है नीचे एमएल है, नहीं कट सकता है ना, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम में एमएल एमएल कट जाएगा, मास बाई मास में ग्राम ग्राम भी कट जाएगा, इसलिए यूनिट लेस हो जाएगा, राइट। लिख लीजिएगा इसको भी।
जल्दी से लिखिए गाइस। एक एक सवाल को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और सवाल भी जो है वो भी जेई एडवांस मेंस और नीट के लेवल का है। ऐसे ही क्वेश्चंस तुम्हें वहां दिखेंगे, औरों से अलग औरों से डिफरेंट, समथिंग डिफरेंट देन दी नॉर्मल। जो नॉर्मल लोग करते हैं उनसे तो कुछ अलग करना पड़ेगा ना, तभी तो सिलेक्शन होगा। तो गाइज ये तरीका जो है, ये क्वेश्चन जो है, ये सिलेक्शन करवाने वाले हैं। मेरा एक्सपीरियंस है, बोलता है। लिख लीजिए जल्दी से गाइस। हो गया होगा गाइस। ऊपर दो चीजें जो लिखी है सप्लीमेंट्री में वो भी लिख लेना, क्योंकि हो सकता है कि इन चार की जगह वो इन दो में से भी कोई ऑप्शन डाल दे, तो आपको पता हो कि कौन कौन से आंसर, मतलब किस किस टर्म्स की जो है हमारे पास यूनिट्स होती है और किस किस टर्म्स की हमारे पास यूनिट्स नहीं होती। जैसे मोलैलिटी के लिए होती है मोल पर केजी, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोल पर लीटर, क्लियर। मोल फ्रैक्शन होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ये होती है यूनिट लेस। परसेंटेज वेट बाय वेट जो है वो होता है ग्राम बाय ग्राम, ये भी क्या होता है यूनिट लेस। क्लियर है, इसको लिख लीजिए जल्दी से। लिख लीजिए गाइस जल्दी से। रफ करता हूं उसको, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 22। रीड करते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 22 गाइस।
राइट, हियर इज क्वेश्चन नंबर 22। पढ़ते क्या बोलते हैं, वन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इज गिवन बिलो। डॉल्टन थ्योरी आपने पढ़ी है, डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम होता है, फर्दर डिविजिबल नहीं हो सकता, ये सब। कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड इन ए फिक्स्ड रेशियो। क्या बोलता है, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड, कंपाउंड्स बनते हैं व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स कंबाइन इन ए फिक्स रेशियो, एक फिक्स रेशियो में आके मिलते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। और ये था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। देखते क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ इज नॉट रिलेटेड टू दिस स्टेटमेंट। बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। भाई कंजर्वेशन मास तो ये बोलता था कि नेट चेंज इन मास जीरो होगा, तो यानी कि एक तो इसका ऑप्शन है ए सही। कैसे है ये सही भाई, ये बोल रहा है विच इज नॉट रिलेटेड। क्या बोलता है गाइस, ये विच इज नॉट रिलेटेड, इससे जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन तो उसका ये है, ये बिल्कुल ही इससे अलग है। बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। भाई लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, एक ही तो बात बोलते थे, अगर एक से एक बनाना है तो भी वो डेफिनेट प्रोपोर्शन में आएगी, और अगर एक से बहुत ज्यादा बनाने हैं तो भी वो डेफिनेट प्रोपोर्शन में आएगी। एक को मल्टीपल प्रोपोर्शन और एक को डेफिनेट प्रोपोर्शन। एवोगैड्रो लॉ क्या बोलता था, एवोगैड्रो लॉ क्या बोलता था, एवोगैड्रो लॉ बोलता था कि उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फिक्स रहते हैं, जैसे कि एक मोल में 6.022 × 10^23, यानी कि ये भी इससे कोरिलेट नहीं करता, यानी कि इसका जो आंसर है वो है फर्स्ट एंड फोर्थ, बाकी दोनों ऑप्शन इससे जुड़े हुए हैं, दोनों के दोनों ऑप्शन सेकंड एंड थर्ड आर द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। और ये पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज इज नॉट रिलेटेड टू दिस स्टेटमेंट, जो उससे ना जुड़े हो, तो जुड़े नहीं है फर्स्ट और फोर्थ। आंसर लगा लीजिए गाइज, फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस आंसर। लिख लीजिए गाइज, लिख लीजिए, लिख लीजिए गाइज। इसके बाद आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ये भी सॉल्व करेंगे हम लोग, पूरी एनसीईआरटी एग्जाम्पल को सॉल्व कर रहे हैं गाइज, डोंट वरी, आई एम विद यू। जब आपका टीचर ही आपके साथ इस तरह से लगा हुआ है तो आपको घबराने की क्या जरूरत है, बस आप वो करते रहो जो मैं करवा रहा हूं, विश्वास रखो बेहतर इसका मुकाम होगा, इसका जो रिजल्ट आपको मिलेगा बहुत अच्छा मिलेगा। भाई मैं तो पीछे नहीं हट रहा ना, मैं तो एक एक सवाल आपको करवा रहा हूँ, यहाँ पे आपको पीडीएफ भी भेजी हुई है, आपको क्वेश्चंस भी करवा रहा हूँ, तो बेहतर है आपके लिए, तो बहुत बेहतर है कि आप उसको अच्छे सॉल्व करें, टाइम मिलेगा आपको अच्छे सॉल्व करने का, है ना प्यारे बच्चों, करिए इसको। आई एम डूइंग हार्ड वर्क, यू हैव टू डू, You should do.
कुछ भी सोच के ये मत रुकना कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तुम्हारे लिए खेल आज से 2 साल बाद है। कोरोना डजंट अफेक्ट योर नीट जेई और 12th बोर्ड एग्जामिनेशन, नेवर नेवर अफेक्ट। वी हैव टू हैबिचुअलाइज अवर सेल्फ टू लिव विद दिस कंडीशन। आखिर कब तक भागेंगे, कब तक भागेंगे? एक दिन तो आम जिंदगी आएगी ना, जैसे अभी 7-8 महीने सब कुछ आम हो गया था, वैसे ही हो सकता है। वंस द वैक्सीनेशन हैज डन देन एवरीथिंग विल बी नॉर्मल। कीजिए जल्दी जल्दी। चले आगे गाइस, आपके पास बुक में तो है ही है। आइए बात करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 23 की। देखिए गाइस, इन टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको कॉपी पेन का इस्तेमाल करना पड़ेगा और आपको चीजें करके दिखानी पड़ेगी कि चीजें कैसे होती है, चीजें पॉसिबल कैसे हुई है, राइट? तो 23 को सोल्व करते हैं। क्लियर? व्हाट विल बी द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 इन ग्राम। एक एटम का कार्बन 12 का आपको मास पता है, वो ग्राम्स में पूछ रहा है। किसमें पूछ रहा है गाइस? ग्राम्स में पूछ रहा है। आपको पता है कि कार्बन का जो मास है वो होता है 12 ग्राम पर मोल और 12 AMU। एक ही बात है ये, AMU हो या ग्राम पर मोल हो, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये इतना इंपॉर्टेंट सवाल है कि ये IIT JEE तो JEE होती है, IIT एक जैम का एग्जाम भी होता है, IIT जैम, IIT JEE होता है बैचलर करने के लिए, IIT जैम्स होता है मास्टर्स डिग्री करने के लिए, और एक होता है IIT गेट। गेट 2020 में इस सवाल का एक सवाल के बीच में जिक्र था, यानी कि जो काम ये इसमें करवा रहा है यही सेम काम गेट 2020 में एक क्वेश्चन में कहीं इन बिटवीन आया था, मैं एग्जाम दे के आया था 2021 गाइस, ये तो इसी साल की बात है, अभी फरवरी का था एग्जाम, फरवरी में। तो इतना इम्पोर्टेंट है ये। अब आप देख लो कि मैं आपको कितनी बड़ी चीज़ बता रहा हूँ। अभी जो सवाल के बारे में बताऊंगा वो आपको जिंदगी भर याद रखनी है, जिंदगी भर। सॉल्यूशन निकालते हैं इसका, और सॉल्यूशन इसका कुछ नहीं है, 1 AMU इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10^-24 ग्राम। जिसको रह गया ये रिलेशन याद, उसके लिए तो ये सवाल है आसान, और जिसको नहीं आता ये रिलेशन वो नहीं कर सकता जिंदगी में ये सवाल, चाहे मैं हूं, चाहे IIT जैम का लेवल हो, चाहे 2021 गेट का हो, चाहे IIT JEE हो, या फिर हो नीट का एग्जाम, किसी में हो, अगर ये नहीं पता यू कैन नॉट डू इट, यू कांट सोल्व दिस क्वेश्चन।
यू कैन नॉट सोल्व दिस क्वेश्चन गाइज, अगर आपको ये नहीं पता। अब आपको पता है मास ऑफ कार्बन इक्वल्स टू 12 amu, और वो आपसे पूछ रहा है इन ग्राम्स में कितना होगा, तो क्या करना है, इंटू 1.66 इंटू 10^-24 ग्राम से मल्टीप्लाई कर देना है। 12 इंटू 1.66 कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक बार मल्टीप्लाई कर लो, राइट, 26 जा 12, 2, 1, 13, 4, 6, 6, 1, 2, 9, 0, 2, यानी कि ये जो मास आया गाइस वो आया 20.92 इंटू 10^-4 ग्राम, या आप इसको और सिग्निफिकेंट फिगर में भी लिख सकते हो 2.092 इंटू 10^-23, क्लियर है, लिख सकते हो, लिख लो गाइस फटाफट से। जो मैंने आपको बताया है ये कन्वर्जन आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ग्राम में होगा गाइस ये। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, और हम इसको लिख सकते हैं गाइस, ये पॉइंट हमें एक तरफ इधर लेके आए, तो मैंने आपको बताया था अगर उधर लेके जाएगी तो माइनस में पावर चढ़ेगी, इधर लेके आएगी तो प्लस में पावर चढ़ेगी, ये मैंने आपको बात बताई थी कि नहीं बताई थी, बताई थी, तो यहाँ पे आ जाएगा गाइस 10^-23 ग्राम, कर लीजिए इसको गाइस। ये ध्यान रखना हमेशा, और ये दोनों भी एक ही चीज़ होती है, ये भी इम्पोर्टेंट है, कभी तुम एएमयू और ग्राम पर मोल में कंफ्यूज हुए घूमो, एक ही बात होती है। क्लियर है, आंसर्स को मैच करते रहना, आपके पास पीडीएफ है, इसी पीडीएफ में एट द एंड सबके आंसर्स लिखे हुए हैं, ठीक है, करें आगे चले। सबके आंसर्स लिखे हैं गाइस, आगे चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थी ये, इसको आज पकड़ लो और जिंदगी भर मत भूलना, जिंदगी में कभी मत इसको भूलना। आगे चलते हैं, फ्रीज करके लिख लो, मैं आगे चलता हूं। ट्वेल्व
24 क्वेश्चन की बात करते हैं, ये आप लोग घर से करोगे, ये क्वेश्चन आप लोग घर से करोगे, होमवर्क है आपका। 24 होमवर्क है, 25 भी आपका होमवर्क है, 26 के बारे में एक बार देख लो, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी, तो आपको कुछ नहीं करना। मोलैरिटी इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वॉल्यूम अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, और मोलैरिटी इक्वल्स टू होता है एन अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। यूनिट्स लिख देना, मोल पर केजी होती है, मोल पर लीटर होती है। लिख देना कि यहाँ सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में निकालते हैं और यहाँ सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें लिख देना, ये दोनों तुम्हें होमवर्क में करने हैं, मैंने लिखा हुआ है। 24-25 यू विल बी डू इन योर होमवर्क कॉपीज, राइट। मैंने आपको बताया था एक दिन कि आपके पास दो कॉपीज होगी, राइट, एक होमवर्क कॉपी एक क्लास वर्क कॉपी। अभी तो खैर आपको क्लास वर्क कॉपीज ही भेजनी है, लेकिन जब ऑफलाइन बैच आपके शुरू हो जाएंगे तब आप होमवर्क कॉपी में भी होमवर्क करके लेके आया करोगे, सबसे पहली चीज़ तो। लेकिन जैसे मैंने आपको आज होमवर्क दिया है तो आप इसको क्लास वर्क वाली कॉपी में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, पर मुझे ये आप सवाल करके दिखाओगे दोनों के दोनों कि क्या मतलब है, पढ़ोगे और सवालों को करोगे। मोलैलिटी और मोलैरिटी में डिफरेंस मैंने आपको बता दिया, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से, लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उसकी तरफ चलते हैं। डन गाइज, लेट्स मूव ऑन टू दी 27 क्वेश्चन। क्वेश्चन बोलता है कैलकुलेट दी मास परसेंट ऑफ कैल्शियम फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन इन ए कैल्शियम फॉस्फेट। ध्यान करो, मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था मास परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट। ये कैल्शियम, ये फॉस्फोरस, ये ऑक्सीजन क्या है, ये सब एलिमेंट ही तो है। इन कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला होता है गाइस ये आपको देखो दे दिया, कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला भी आपको दे दिया। इन्हीं के अंदर सबकी मास परसेंटेज निकलवाता है। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका, सॉल्यूशन करते हैं गाइस इसका। सॉल्यूशन में मास परसेंट ऑफ कैल्शियम क्या होगा, एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम अपॉन टोटल मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाइड बाय 100। एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम कितना होता है, कैल्शियम का जो मोलर मास होता है गाइस वो होता है 40, और कितने कैल्शियम है वो मल्टीप्लाई भी करनी पड़ती थी फॉर्मूला में, 3 कैल्शियम है। अब कैल्शियम फॉस्फेट का एक बार मोलर मास निकाल लीजिए, कैल्शियम फॉस्फेट का मोलर मास जो है वो निकलेगा 40 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस फॉस्फोरस का कितना होता है, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है गाइस 15, राइट, और इसका जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 31, कितना होता है 31 प्लस
एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, चार का कितना होगा 16, 4 जा 64, और इनका दो गुना भी है क्योंकि ये होल ट्वाइस भी लगा हुआ है बाहर, तो मास कितना आ जाएगा गाइस 120 प्लस 31 प्लस 64, 65 प्लस 30 75, 85, 95, 95 इंटू 2 180, 190, और कितना आ जाएगा ये 0, 1, 1, 2 और 3, 310 ग्राम पर मोल या एएमयू आ जाएगा इसका टोटल एटॉमिक मास। ये निकल जाएगी यहां से कैल्शियम के लिए। उसके बाद मास परसेंट ऑफ किसकी, फास्फोरस की। फास्फोरस का मैंने आपको कितना बताया 31, कितने फास्फोरस प्रेजेंट है 2 अपॉन 310 इंटू 100 एंड मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन कितना, तो ऑक्सीजन का 16, कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट है 4 2 जा 8, इनको सबको सॉल्व कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। घर से आप लोग इनको करोगे गाइस सॉल्व। मैंने आपको सब कुछ चीजें लिख दी राइट, सारे फॉर्मूलाज लिख दिए, पता भी चल गया होगा जितने एटम होते हैं उतने ही मल्टीप्लाई और उसका एटॉमिक मास अपॉन टोटल इनटू 100। फास्फोरस अगर 2 है तो मैंने 2 लिखे, ऑक्सीजन अगर 4 2 जा 8 है, 4 तो फॉर्मूले में है और 2 उसकी बार, 2 बार उसकी फ्रीक्वेंसी है, तो 4 2 जा 8 एक फॉर्मूले के अंदर है, 2 बार इसकी मल्टीप्लाई। लेकिन कैल्शियम 3 अलग है क्योंकि कैल्शियम की मल्टीप्लाई जो फ्रीक्वेंसी थी वो अलग रख रखी है 3 के हिसाब से राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 × 16 / 310 × 100। इसको लिख लीजिए, ये कैलकुलेशन आपको घर से सॉल्व करनी है गाइस। कर लीजिएगा इसको फटाफट। क्लियर है, ये हमने क्या निकाला है इसका गाइस, ये हमने इसका निकाला है मॉलिक्यूलर मास।
क्लियर गाइस, लिख लिया होगा। आगे चले, एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट जिसका मास परसेंटेज निकालना हो अपॉन टोटल मोलिकुलर मास इनटू 100। बस एटॉमिक मास लिखते हुए ये जरूर से मल्टीप्लाई कर देना कि आप टोटल एटॉमिक मास लिखो उस एलिमेंट का, यानी कि जितना वो प्रेजेंट है। अगर 3% है तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे, फॉस्फोरस 2% है 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ऑक्सीजन 4 to 8% है तो 8 से मल्टीप्लाई करोगे। क्लियर है, इसको लिख लिया होगा, पॉज करके लिख लेना। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लियर, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। इसने बोला है 45.4 liter ऑफ डाइनाइट्रोजन, ये डाइनाइट्रोजन ये रिएक्टेड विद 22.7 liter ऑफ डाइऑक्सीजन ये, एंड 45.4 liter ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड वाज फॉर्म्ड, ये होता है गाइस नाइट्रस ऑक्साइड फॉर्म हो गया। द रिएक्शन इज गिवन बिलो। क्लियर, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में दिया है। विच लॉ इज बीइंग ओबेड इन दिस एक्सपेरिमेंट, कौन सा लॉ इस एक्सपेरिमेंट में ओबेड हुआ है? तो आपने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम यानी गेलुसैक लॉ और एवोगैड्रो लॉ। बता दो, केवल एक ही लॉ ऐसा था गेलुसैक लॉ जिसमें हम वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में डेफिनेट लेके चलते थे, यानी कि ये जो लॉ का नाम है वो है गेलुसैक वॉल्यूम लो। जहां पे मैंने आपको एग्जांपल बताया था 2H2+O2 गिव्स H2O और बताया था कि इसके 100 ml, इसके 50 ml और यहां मिलेगा हमें 100 ml, ये बताया था। सेम जो 2H2 है इसके 45.4 liter, इसके जस्ट आधे 45.4 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 2 2 2 0.7 यही बनेगा, यानी कि 2.27 liter, और जितने इसके थे इतने इसके 45.4 liter, 100 से 100 बन रहे थे राइट। तो ये जो लो है वो है गेलुसैक लो ऑफ वॉल्यूम या गेलुसैक वॉल्यूम्स लो। राइट द स्टेटमेंट ऑफ द लो, आपको मैंने PPT दिखाई हुई थी उसमें स्टेटमेंट आपके पास था है ना, तो उसको वहां से कर ले गाइस। लिख लीजिए, मैंने आपको H2O2 का एग्जांपल लेके बताया था गेलुसैक वॉल्यूम्स लो या गेलुसैक लो ऑफ वॉल्यूम। केवल एक ही लो ऐसा था जहां पे वॉल्यूम का जिक्र हुआ था, केवल एक ही लो ऐसा था। दो क्वेश्चंस मैंने आपको घर से करने के लिए दिए है ना, वो आप घर से करेंगे 23 और 24 जो मैंने दिए नंबर, मुझे ध्यान नहीं है इससे ऊपर वाला तो नहीं दिया, उससे ऊपर वाला ध्यान 23 24 ही दिए। अगर कहीं भी वॉल्यूम की बात हो रही है लोगों के रेस्पेक्ट में, एक ही लो है जहां वॉल्यूम की बात हुई थी वो है गेलुसैक लो, और उसका कोई लो ही नहीं है। गेलुसैक की फोटो भी दिखाई थी प्रेजेंटेशन पीपीटी पे दिखाई थी बहुत बढ़िया से, ध्यान कर लो। आगे चले क्या, कर लिया होगा ये, आगे चले। ये सिंपल ही है, आपको बस गेलुसैक लो का नाम लिखना है और यहाँ इसका स्टेटमेंट, और ये एग्जांपल मैंने आपको याद दिलाया कि मैंने इस एग्जांपल से उसको समझाया था। क्लियर है, आगे चलते हैं। 28 क्वेश्चन हो चुके, 29 क्वेश्चन। इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, द मासेस ऑफ द वन एलिमेंट दैट कंबाइन विद ए फिक्स मास ऑफ द अदर एलिमेंट आर इन ए व्होल नंबर रेशियो, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? हाँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इफ यस अकॉर्डिंग टू विच लॉ, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। गिव वन एग्जांपल एडिड टू दिस लॉ, H2+O2H2O, H2+O2H2O2। क्लियर,
ये भी आप एक बार दोबारा देखो घर से करोगे, ठीक है गाइस। तो 29 जो क्वेश्चंस है वो आज हम लोगों ने किए, इसके बाद 30 क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कराऊंगा इसको, तुम लोग नहीं करोगे, तुम लोग केवल 29 क्वेश्चन तक करोगे। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, यस, एग्जाम्पल H2+O2H2O, H2+O2H2O2 बताया हुआ है, राइट। आज के लिए इतना ही गाइस, शुक्रिया। अगली क्लास में मैं 29 को वापस से रिपीट करा दूंगा, आप इसे फिर भी एक बार करके देखना खुद से, 30, 31 और आगे क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।